चंदोसी में भूख से लबरेज मासूम अपने पिता के साथ एक ठेले पर खाना खा रहा था कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ई रिक्शा ने ठेले में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ठेले पर खोलता तेल मासूम के ऊपर गिर गया, जिससे मासूम की चीख निकल गई। अचानक हुए इस हादसे ने सभी को अचंभे में डाल दिया। गंभीर हालत में झुलसे मासूम को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना था कि शहर में ई रिक्शा बेलगाम हो गए हैं। आए दिन ई रिक्शा चालक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। तुम्हारा शफीक, ये कैसे रिक्शा तुम्हें टकरा दिया और ये बच्चा जल गया? कुछ सरिया से। क्या हुआ पूरी बात? सरिया जो नहीं, गाड़ी आ रही पीछे से, सरिया जो लगी मेरी गाड़ी में तो इनके ठेले से लग गई। फिर उससे क्या हुआ उसके बाद? फिर के बच्चे के ऊपर तेल गया, बच्चा जल गया। हाँ इरफान, ये बच्चा कैसे जल गया, क्या हुआ? बच्चा खस्ता खाने आया था मेरे साथ, खस्ता खा रहा था, मैं भी खस्ता ही खा रहा था। तब टर्री वाले आए, उसने जो है कि टक्कर मारी, कढ़ाई जो है कि पलट गई, उसके ऊपर चला गया तेल। ये किस जगह की घटना है? ये अभी जो है कि कभी वहाँ बड़े बाजार की। बड़े बाजार की जी। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इसमें? इसमें कार्रवाई सर हम यही चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, तो मैं तो अपना कार्रवाई कर रही हूँ, कह रहे हैं सुलह करा लो। तो कोई प्रार्थना पत्र आपने दिया है थाने में? जी अभी ना, अभी की तो बात है, मैं लिखवा रहा था तो कह रहे हैं सुलह करा लो। तो वो कहाँ है इस समय, जिसका ठेले का मामला है? उनके ठेले का मामला तो उनसे हमें क्या करना है, हमें तो रिक्शा वाले। रिक्शा वाला कहाँ है? रिक्शा वाला अंदर है।